बिलासपुर के उपमंडल स्वारघाट के तहत बने बस अड्डे का जल्द ही लोकार्पण किया जाएगा। हिमाचल सरकार के वन और परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने स्वारघाट बस अड्डे का औचक निरीक्षण करते हुए पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि स्वारघाट बस अड्डे का जल्द ही उद्घाटन कर दिया जाएगा। बता दें कि स्वारघाट बस अड्डे को तैयार हुए काफी अरसा हो गया है, लेकिन इसका लोकार्पण होने से यहां अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और बस अड्डे के चारों ओर गंदगी फैलाई जा रही है। स्थानीय जनता कई बार बस अड्डे के लोकार्पण के लिए आग्रह कर रही थी, जिसके चलते परिवहन मंत्री द्वारा इसका औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि शिमला में जाकर मुख्यमंत्री से इस बस अड्डे के उद्घाटन का आग्रह करेंगे और इस संबंध में जल्द ही परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। बहुत जल्द करेंगे और इसके बाद शिमला जाकर के तुरंत हम देखेंगे कि यदि माननीय मुख्यमंत्री का स्वयं मिलता तो बहुत अच्छी बात है, और यदि लगता है कि किसी कारण से उनका समय नहीं मिल पाया तो यह है कि अगर मुझे करना है तो हम उनसे अनुमति प्रदान करके जल्द करें। बहुत सरकार तैयार है और ये लगता है कि अगर इसका जल्दी हमने उद्घाटन नहीं किया तो यहाँ पर यानी समस्या भी है और लोगों के लाभ के लिए भी जब तैयार हुए तो इसको हम करेंगे। और अभी तो मैं मनाली की ओर जा रहा था, वापस मुझे लगा कि इसको देखना चाहिए, तो यहाँ पर देख करके अभी देख रहा हूँ और इसको जल्द लोकार्पण करके ताकि जनता के काम आए।